इसके पैनल्स अगर देखोगे थोड़े से अलग है, इसका शेप आप देख सकते हो, नॉर्मल फुटबॉल से अलग इसके पैनल्स है। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू फुटबॉल क्लासरूम। तो गाइस आज हम रिव्यू करने वाले हैं किप्टा F50 का नया जो कलर आया है, ब्लैक रेड कलर, जो कि लुक वाइज बहुत ही अच्छा लगता है। इसका फर्स्ट लुक रिव्यू ग्राउंड टेस्ट करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना कर पाए। इसका प्राइस कहाँ से आप इसको ले सकते हैं सब मैं आपको बताऊंगा, और बॉल कैसा है ओवरऑल मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए गाइस लेट्स गो। तो गाइस इस बॉल को हम पास से देख लेते हैं। फीफा बेसिक इस पे लिखा हुआ है, यानी कि फीफा सर्टिफाइड फुटबॉल है किप्टा F550। ऑल कंडीशन साइज 5, यानी कि इसको आप हार्ड ग्राउंड और टर्फ दोनों भी यूज़ कर सकते हो। F50 नए पैटर्न में लिखा हुआ है, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कहाँ ये बनाए। इसके अलावा डिकैथलॉन और इसका बार कोड यहाँ पर मैंशन है प्रोडक्ट के बारे में। किप्टा F50 दोबारा साइज 5, और ये रहा इसका जो जहाँ पे आप नीडल डालोगे हवा भरने के लिए, वो इसमें कितनी हवा होनी चाहिए वो सब इसमें मैंशनड है। इसके पैनल्स अगर देखोगे थोड़े से अलग हैं, इसका शेप आप देख सकते हो, नॉर्मल फुटबॉल से अलग इसके पैनल्स हैं। तो बात करते हैं इसके लुक की, लुक वाइज में इसको 5 out of 5 जज करने वाला हूँ, क्योंकि लुक वाइज बहुत ही अच्छी लगती है। इसका कंट्रोल भी 4.5 out of 5, और इसकी रही बात इसकी ड्यूरेबिलिटी की, अभी यूज़ करने के बाद उस पर हम कुछ इसके ऊपर रेटिंग दे पाएंगे। मे बी इसका मैं 2 months या फिर 3 months रिव्यू में इसके बारे में बताऊँगा। और बात करते हैं इसके प्राइस की, प्राइस इसको आपको पड़ेगा 1499 rupees का। डिकैथलॉन किसी भी स्टोर से या फिर वेबसाइट से इसको आप ले सकते हो। अदरवाइज बॉल बहुत अच्छा है, F500 में पहले यूज़ कर रहा था। अगर आप F500 यूज़ करते हुए आए हो तो आप F550 को ज़रूर यूज़ करो, कुछ अलग आपको फील होगा, और बहुत ही मतलब एक अपग्रेड आपको फील होगा आपके बॉल में, आपकी ट्रेनिंग में। और आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नए हो चैनल सब्सक्राइब करना, और गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में। पीस आउट।